तो ये भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों को मिला दें तो करीबन करीबन 50 करोड़ मुस्लिम लोग हैं यहां पे रहते हैं। ये कहां से आए? इतने मुस्लिम तो अरब में भी नहीं है, मिडिल ईस्ट में इतने मुस्लिम नहीं है, इस देश में पारसी भी आए, बुद्ध हैं, राजपूत हैं, सिख हैं, बहुत कौम है, ये क्यों नहीं हो गए 50 करोड़? इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? फिर एक दलाल टाइप के जो लोग हैं उन्होंने एक नया नैरेटिव स्टार्ट किया, ये पिछले 25-30 साल से ज्यादा जोर पकड़ा इस नैरेटिव ने, 20-25 साल से, कि ये प्यार से कन्वर्ट हो गए, ये हिंदू ही थे, प्यार से कन्वर्ट हो गए। वेरी गुड, वाह। ये कहा गया सूफी संत आते थे, दरवेश फकीर वकीर आते थे और लोग प्यार से कन्वर्ट हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारा एक बहुत बड़ा देश था, ऐसे एक बहुत बड़ा देश था पर्शिया, वहां पारसी रहते थे और वो कलाओं में, ट्रेड में, एजुकेशन में बहुत ऊपर देश था, उसकी वो पूरी सिविलाइजेशन बहुत हाई पे थी। ये मिडिल एजेस की बात है, मुस्लिम्स का अटैक हुआ, करीबन 25-30 साल में एक भी पारसी जिंदा नहीं बचा, सारे देश छोड़ के भाग गए, मर गए, लूट, हत्या, बलात्कार, और 25-30 साल में एक नया इस्लामिक मुल्क बन गया, बाद में जिस मुल्क का नाम पड़ा ईरान। सारे पर्शियंस कहां गए? कुछ भाग के तो हिंदुस्तान भी आ गए थे। वो प्यार से कन्वर्ट हो गए। ऐसा प्यार इस दुनिया ने कई बार देखा है, अफ्रीका में, एशिया में, ऐसा प्यार 25-30 कंट्रीज ने बर्दाश्त किया है और वो 25-30 कंट्री टोटल इस्लामिक बन गए। और लेटेस्ट कश्मीर, जब वहां से 3-4 लाख हिंदू भगाए गए तो वो प्यार से भागे वहां से और पूरा कश्मीर इस्लामिक हो गया। मेक नो मिस्टेक, इट्स अ कैलिफेट। जो बगदादी करता है खलीफा, खलीफा जो अपना साम्राज्य बनाता है जहां सिर्फ मुस्लिम होते हैं और अगर गैर मुस्लिम है तो उन्हें डिम्मी बन के रहना पड़ेगा, खत्म होकर रहना पड़ेगा, वो कैलिफेट है इस्लाम की। इस वक्त कश्मीर में, हिंदुस्तान में कैलिफेट है, 1921 में मालाबार में दंगा हुआ था, वहां भी कैलिफेट बनाने की कोशिश की गई थी, कुछ 50,000 या 1 लाख हिंदुओं को बाहर निकाल दिया था वहां से, फोर्स्ड कन्वर्जन किया था, तो तब नहीं बना पाए, लेकिन आज कश्मीर में कैलिफेट है। ध्यान रखिएगा, ये आपकी गुलदस्ता और कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत सबके बीच में एक कैलिफेट बन गई, लेकिन आप कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है। और जब ये 3-4 लाख हिंदू वहां से भगाए गए एक महीने के अंदर, तब कॉन्स्टिट्यूशन सो रहा था, इंटेलेक्चुअल सेमिनार कर रहे थे, गंगा जमनी तहजीब पे सेमिनार कर रहे थे और इस तरह की तमाम रोजा इफ्तार की दावतें चल रही थी, हैप्पी, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। और जो पूरी तरह इस्लामिक नहीं बना, उसके टुकड़े हुए, जैसे हिंदुस्तान के टुकड़े हुए, सूडान के टुकड़े हुए, और आपकी और हमारी जिंदगी में, हमारे लाइफ टाइम में स्वीडन का टुकड़े होंगे, आज से 15-20 साल के अंदर स्वीडन टूट जाएगा। यह एक प्रोसेस है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। आप या तो बहुत भोले हैं, देखते ही नहीं, या आप इतने मूर्ख हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है आपने कभी देखा ही नहीं, या आप झूठे हैं, या आप दलाल हैं। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को मना करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, यहां तो बड़ी गंगा जमनी तहजीब थी, आप इन सब में से एक है, या हो सकता है सब कुछ हो। चलिए मैं आपसे, आपके साथ एक एक्सरसाइज करता हूं। आपके एक दादा होंगे, एक दादा परिवार है, दादा, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, उधर के उनके बच्चे, सब एक पूरी फैमिली ट्री वो है, एक नाना की तरफ से है, तो एक आदमी करीबन ऐसे 10-15 परिवार उसके आसपास होते हैं। इसके बाद आप कॉलेज, आपका कॉलेज, स्कूल कॉलेज, जहां 50-100 स्टूडेंट हैं, जिसमें कुछ दोस्त हैं जो आपके साथ ट्रेवल करते हैं जिंदगी भर। फिर आपका मोहल्ला, आपकी कॉलोनी, वहां भी आप 10-20 परिवारों को जानते हैं। यूं कहें एक आदमी मोटा मोटा 700-800 हजार लोगों की खबर उसको होती है, डायरेक्ट खबर, चाहे मिले ना, कि कोई बहुत दूर रहता है, लेकिन हाँ पता लगता है उसकी शादी हो गई, उसके बच्चा हो गया, डेथ हो गई, कुछ बहुत अच्छा हो गया, बहुत बुरा हो गया, खबर आ जाती है कहीं ना कहीं से। अब मैं आपसे एक्सरसाइज करता हूं, पिछले 20-30-50 साल में ये इन हजार लोगों में से कितने लोग मुस्लिम बने, कितने लोग कन्वर्ट हुए? आंसर मिलेगा 0। क्या हुआ, सारे सूफी, दरवेश, फकीर रिटायर हो गए, आईपीएल देखने चले गए, इस्लाम की कशिश खत्म हो गई? दोस्त, जब तक गर्दन पर तलवार ना हो ना, कोई कन्वर्जन नहीं होता, या बहुत सारे पैसे ना हो, कोई कन्वर्जन नहीं होता। उसके बाद पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, इस देश की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, और उसमें शामिल अफजल गुरु, उसके सम्मान में, उसके समर्थन में लोग खड़े हैं, हजारों हजारों लोग मुसलमान खड़े हैं, और हमने तब भी कुछ नहीं कहा, इस देश में हाहाकार नहीं हुआ। मुंबई में कुछ साल पहले आजाद मैदान में एक रैली हुई, किस लिए हुई? रोहिंग्याओं के समर्थन में। आपका क्या लेने देना है रोहिंग्याओं के समर्थन में? और रैली के आखिर में क्या हुआ? जो शहीदों के लिए स्मारक बना है, फौजियों के लिए, शहीदों के लिए जो स्मारक बना है, उसको जूते मार मार के तोड़ दिया। इतनी नफरत आपके मन में इस देश के लिए, और कोई कुछ कहता ही नहीं, कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा था, ये चल रहा था इस देश में। तो ये जो एक हेट है, ये इन दोनों कौमों में रही,
और वो एक हेट, वो एक नफरत जो थी, वो कभी इट नेवर बिकेम अ पास्ट हिस्ट्री, डिस्टेंट हिस्ट्री, कभी नहीं हुआ, वो रोज रहा। कभी वो अफजल गुरु के रूप में आ गई, कभी क्रिकेट मैच के रूप में आ गई, कभी कश्मीर, कभी आजाद मैदान, वो हमेशा कभी ना कभी उसके न्यू एडिशन आते रहते थे। एक और एक्सरसाइज करते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, साइकिल स्कूटर कुछ चलाते होंगे, जब भी आप सड़क में जाते हैं तो थोड़ा संभल के चलते हैं, लेकिन आपके शहर के जो मुस्लिम एरिया हैं जब उसमें आप जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा संभल के चलते हैं कि नहीं? एक्स्ट्रा संभल के, कि अगर यहां लग गई तो एक्स्ट्रा पिटाई होगी। वो जो फियर है आपके अंदर, वो जो डर है, वो कमाल की चीज है, जिसको देश कहता है नहीं, एक सिस्टम कहता है नहीं, लेकिन आपके अंदर है, करोड़ों लोगों के अंदर है, 100 करोड़ लोगों के अंदर है वो डर। और एक आखिरी एक्सरसाइज, जब भी आपको कोई ज्ञान बांटता हुआ आदमी मिले, सेकुलर मिले, इंटेलेक्चुअल मिले, गंगा जमुनी तहजीब वाला आदमी मिले, सब बराबर हैं, सब धर्म हैं, तो उसको कहिएगा चलिए एक पेज पे लिखते हैं, गीता बाइबल कुरान सब एक जैसे हैं, जीसस राम कृष्ण पैगंबर मोहम्मद सब एक जैसे हैं, कोई ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब प्यारे इंसान हैं, सब बढ़िया हैं, सब बराबर हैं। एक पेज पे लिख के उसे बोली जरा दो चार मुस्लिम से साइन करा के ला, ऐसी चीं की आवाज आएगी उस इंटेलेक्चुअल की, आपके पास जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा वो, एक मुसलमान के साइन नहीं करा सकता इस बात पे। ये सारा ड्रामा हमारे लिए है ये। तो जहां से मैंने बात शुरू करी थी कि ये जो गुस्सा है, ये कई 100 साल का गुस्सा है जिसको वेंट नहीं मिला, कभी निकलने की जगह नहीं मिली, और ये जो बार बार दंगे होते हैं ना, ये उसकी EMI है। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, मोदी कोई आदमी है ही नहीं, मोदी वो मौका है और वो गारंटी है कि इस बार जब शाहबानो पार्लियामेंट में आएगी कि हलाला हो गया, कि चार विवाह हो गया, कुछ हो गया, इस बार पार्लियामेंट ब्लैकमेल नहीं होगी। वो एक शख्स नहीं है, वो एक इमोशनल बाम है, एक इमोशनल मलहम है जिसकी इस देश को कई 100 साल से जरूरत थी। और अगर आप सोचते हैं कि एक आदमी क्या कर सकता है, तो दोस्त कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों।